किसी भी मकान को बनने में उसकी नींव की अहम अहमियत होती है। इसी तरह जी माइंड को अपने अध्यापकों एवं प्रशिक्षकों पर गर्व है। इसी कड़ी में आइए मिलते हैं जी माइंड के मुख्य अध्यापक जो कि आईटी प्रशिक्षण दे रहे हैं, मिस्टर हैरी सी से। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और आईटी एजुकेशन को छोटे और बड़े लेवल पर किस तरह से वो आगे ले गए हैं। मिस्टर हैरी, मैं जी माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीनियर फैकल्टी के पद पर कार्य कर रहा हूँ और मुझे जी माइंड के साथ काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। इस 8 साल के समय में मैंने बहुत सारे छात्रों को आईटी के बारे में, आईटी से रिलेटेड जो तमाम टेक्नोलॉजीज रही हुई हैं जिनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज कॉरपोरेट के क्षेत्र में हो रहा है, मैंने उन्हें स्किल्ड किया हुआ है और लगातार इस क्षेत्र में कुछ नया करने का मेरा प्रयास आज भी जारी है। और आज भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ जी माइंड के साथ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आईटी का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, आप अपना करियर आईटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि उनको कंप्यूटर जो पढ़ने के लिए आते हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर नहीं है तो इंटरेस्ट को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं सर। जैसे कि हम उनको बताते हैं कि कंप्यूटर आपके लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो फिर आपको बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी। जैसे कि आज के टाइम पर आज सारा जो वर्क होता है वो ऑनलाइन वर्क होता है कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ता है। तो इस तरह की सर हम लोग एक भूमिका सेटअप करते हैं जिससे उनको लगता है कि कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है सर, रूरल बैकग्राउंड से तमाम बच्चे आते हैं और एक बड़ी समस्या उनके साथ आती है सर। बेटर स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल्स हम उपलब्ध कराते हैं, समय समय पर हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें हम बच्चों को चेक करते हैं कि उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो उनकी उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हुए उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। बहुत सारे स्टूडेंट जी 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 माइंड ऐसी क्या खास चीज़ है जो बच्चों को सर जहाँ आपके फीस को ध्यान में रखते हुए एक सस्ती फीस, मतलब कह सकते हैं कि आप अफोर्डेबल फीस वो सेटअप करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी इंस्टीट्यूट से अगर हम तुलना करें, कंपेरिजन करें तो जी माइंड ज़्यादा बेहतर होगा। 8 सालों में क्या आपने चेंजेस किया सर? 8 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले तो हमारे पास सेटअप कम थे, मेथड्स कम थे, लेकिन आज के टाइम पर तकनीक जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, हम लोगों ने अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल भी हमने किए जिनका रिजल्ट आया कि आज आईटी में जो भी हमारे कोर्सेज में हम अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट्स दे पा रहे हैं जिनका जो जाकर के बाहर अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं। आगे किस तरह की एजुकेशन जीमाइंड की तरफ से दी जाएगी? सर, मैं चाहूँगा कि समय के साथ आईटी में जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए और कॉरपोरेट में जो डिमांड है, जो स्किल्ड की डिमांड है, उसको हम लोग सेटअप करते हुए इन फ्यूचर्स के लिए बच्चों को स्किल्ड करें। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जी माइंड इंस्टीट्यूट आपके
बेहतर एजुकेशन क्वालिटी और अच्छे स्टडी मटेरियल और अच्छे स्टाफ के साथ मौजूद हैं, आप जी माइंड के साथ जुड़ें और अपना भविष्य, अपना जो करियर है उसको सेटअप कर सकते हैं आईटी के क्षेत्र में। इसको सेटअप करने में जी माइंड आपके साथ हमेशा सहयोग करता रहेगा। जी माइंड की सर अभी तमाम नई योजनाएं हैं, हम बहुत जल्दी एक्रेडिटेशन सेंटर ऑफ ओ लेवल और ए लेवल हो जाएंगे और उसके साथ साथ कंप्यूटर्स के तमाम और भी कोर्सेज हैं जो रीमॉड्यूल या कह सकते हैं हम लोगों ने कुछ ऐसे कोर्सेज को भी डिज़ाइन किया हुआ जिसकी मांग इन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नए कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए जिनके कंटेंट्स आप हमारे साइट से देख सकते हैं किस तरह के कंटेंट्स होंगे और कैसे चीज़ें हम उस पर पढ़ाएंगे। थैंक यू।